हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ हमारा 30x48। जो इसके फ्रंट है वो हमारे फ्रंट और बैक है वो हमारे 30 फीट है, और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 48 फीट है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है मैं 2 BHK सेट है, लेकिन इनको 2 बेडरूम चाहिए। आगे मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफिल करके आपको 24 आवर्स में आपको सेंड कर देते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन एंट्रेंस है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको सामने देखने को मिलता है पोर्ट, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 10 फीट बाय 18 फीट का हमने इसका साइज़ दिया हुआ है। इसी के साथ आपको पोर्ट के आगे की तरफ देखने को मिलता है स्टेयरकेस यानी कि जीना, जो कि हमने 3.5 फीट का दिया हुआ है। आप इससे फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। अब आते हैं अपने इस तरफ, आप राइट साइड पर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक डोर जो कि आपको टॉयलेट में अंदर लेकर जाता है। इसके लिए हमने इसका जो साइज़ दिया हुआ है 8 फीट बाय 5 फीट का हमने टॉयलेट बनाई हुई है। इसी के साथ आपको इसमें वेंटिलेशन के लिए देखने को मिलता है, ये हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है। पोर्च के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है ड्राइंग रूम, जिसका डोर हमने यहाँ से 3 फीट 3 इंच का दिया हुआ है। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है इनका 14 फीट 3 इंच बाय 11.5 फीट का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगाई हुई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इसी के साथ आपको इस ड्राइंग रूम में देखने को मिलता है एक और डोर जो कि आपको अंदर लॉबी में लेकर जाता है। आप इस डोर से अंदर लॉबी में भी जा सकते हैं। अब पोर्च के आगे आपको एक डोर देखने को मिल रहा है, आप हम इससे अंदर एंट्री करते हैं। जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं आपको सामने देखने को मिलती है लॉबी, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 11 फीट 4.5 इंच बाय 18 फीट 3 इंच की हमने लॉबी बनाई हुई है। लॉबी के राइट साइड आपको देखने को मिलता है सबसे पहले वॉशिंग एरिया, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस वॉशिंग एरिया का साइज़ है हमारा 7 फीट बाय 6 फीट 3 इंच का हमने वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। इसके बराबर में ही आपको देखने को मिलता है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दिया हुआ है। इस किचन का साइज़ है हमारा 7 फीट बाय 10 फीट का हमने किचन बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है एल साइज की स्लिप जो कि हमने डाली हुई है। बात करें अगर इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ पर अच्छी बड़ी विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब चलते हैं लॉबी के लेफ्ट साइड। जैसे आप लॉबी के लेफ्ट साइड आते हैं तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है पूजा रूम, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दिया हुआ है। पूजा रूम का साइज़ है हमारा 10 फीट बाय 5 फीट का हमने पूजा रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है 3 फीट की विंडो जो कि हमने वेंटिलेशन के लिए लगाई हुई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। पूजा रूम से आगे की तरफ आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर बेडरूम, जिसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ है हमारा 10 फीट बाय 13.5 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। बात करें अगर इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है 3 फीट की ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इस बेडरूम से अटैच हुआ है स्टोर जो कि हमने किया हुआ है, इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है स्टोर का 2.5 फीट का। स्टोर का साइज़ है हमारा 5 फीट बाय 9 फीट 9 इंच का हमने स्टोर बनाया हुआ है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे आप आगे आते हैं तो आपको ये ओपन एरिया देखने को मिलता है 8 फीट 1.5 इंच बाय 4 फीट 1.5 साढ़े 4 इंच का हमने ओपन एरिया दिया हुआ है। इससे आगे की तरफ आप चलते हैं तो आपको देखने को मिलती है टॉयलेट, इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। टॉयलेट का साइज़ है हमारा 8 फीट 1.5 इंच बाय 5 फीट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। ये हमारे 2 बेडरूम का सेट है, मैंने आपको इसके बारे में सभी कुछ बता दिया है। अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम आपको मैप बनाकर इसके सेंड कर देते हैं 24 आवर्स में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।